Hi guys, this is GR and you are watching Work at Our Job Helpful. Friends, आपके लिए एक और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी कंपनी में. सिक्योरिटी कंपनी में SO की पोस्ट, SO सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर की पोस्ट. तो गाइज, जॉब का पूरा अपडेट देने से पहले एक हल्की सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट जल्दी पहुंचे. और वीडियो शेयर करना कभी ना भूले अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, काम मिल सके, नया कुछ जॉब मिल सके. और कुछ भी आपका कमेंट्स है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आपका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. वीडियो पसंद आने पर लाइक करना भूले ना. तो गाइस, जॉब है SO पोस्ट की, सिक्योरिटी कंपनी में SO पोस्ट सीनियर ऑफिसर का वैकेंसी. छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और इसमें डिटेल्स में कुछ ज़्यादा आपको दूंगा नहीं. कंपनी की तरफ से स्ट्रिक्टली जो है 2-4 पॉइंट बोला गया, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ. इसमें जो है ओनली 4, जो ऑलरेडी बंदा सिक्योरिटी का नॉलेज रखता है या फिर ऑलरेडी जिसने 5 साल 6 साल काम किया है सिक्योरिटी लाइन में, वही बंदा इस जॉब को अप्लाई कर सकता है. इसमें एज रहती है अबो 18 से ऊपर. ऊपर में आप चाहे अगर 40 इयर्स के तो भी चलता है, अगर आप 45 इयर्स के हैं तो भी चलता है. इसमें एज क्राइटेरिया नहीं रहता है. बोले तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि 50-60 वाला भी नहीं चाहिए. 18 to 40-45 इयर्स लास्ट चलेगा इसके लिए. ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है यह जॉब. लोकेशन बेंगलोर में है. आपको एक पर्टिकुलर एक कंपनी है, XYZ कंपनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट देखना रहता है, एक ही यूनिट संभालना रहता है, एक ही यूनिट का मैनेजमेंट करना रहता है. सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट कंस्ट्रक्शन लाइन वाला यूनिट है. उसमें प्रेजेंट टाइम में 15 से 20 गार्ड दिन में काम करते हैं और 15 से 20 गार्ड जो है नाइट में काम करते हैं. कुल मिला के मान के चलिए आपको जो है 30 to 35 गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड को मैनेज करना रहता है और कुछ भी नहीं रहता है. उनको मैनेज करना रहता है, क्लाइंट की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना, क्लाइंट की तरफ से कुछ भी कंप्लेन नहीं होना कंपनी में, उसको मैनेज करना रहता है. क्लाइंट को मैनेज करना रहता है, सिक्योरिटी गार्ड को मैनेज करना रहता है. कौन सा बंदा किसको OT देना है, किसको जो है कहाँ पे पोस्टिंग देना है, कितना बंदा छुट्टी पे रहेगा, कौन नहीं आया है उसको जल्दी से पोस्टिंग देना है, और मॉर्निंग में जो है वो XYZ जो भी है कंपनी का जो है डायरेक्शन रहता है वो सब आपको फॉलोअप करना रहता है. आपका काम रहता है सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना, उस एक पर्टिकुलर यूनिट को मैनेज करना रहता है, उसको प्रॉपर रन करना रहता है, चलाना रहता है. कंपनी को क्लाइंट की तरफ से कुछ भी आप कंप्लेन नहीं होना, बस उतना ही काम रहता है. अब उसमें आपकी ड्यूटी रहती है, आप 24 आवर्स समझ लीजिए या फिर 2 घंटा समझ लीजिए. कहने का ये मतलब है कि उसमें जॉब की ड्यूटी फिक्स नहीं रहती है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना रहता है. आप 1 घंटा जाइए फील्ड में उस यूनिट पे मॉर्निंग 8 बजे पोस्टिंग के टाइम में, या फिर नाइट के 1 घंटा पोस्टिंग के टाइम में, दोपहर में 1-2 घंटा और विजिट कर लीजिए. आप चाहे तो 2-3 घंटा वहीं पे बिताइए, अंदर में विजिट कीजिए, यूनिट में घूमिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, इंट्री बराबर हो रही कि नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें रहती है. और इसमें आपको थोड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है. तो गाइस, मेल कैंडिडेट्स के लिए है. एज मैंने आपको बता दी, लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. सैलरी रहती है इसमें स्टार्टिंग 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज सैलरी रहती है इसमें स्टार्टिंग की बता रहा हूँ. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लाइंट की तरफ से जो है गार्ड्स की पोस्टिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे जो है यूनिट का प्रोग्रेस होगा. जैसे यूनिट का प्रोग्रेस होगा वैसे ही आपका जो है प्रोग्रेस होगा. आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 रहेगी. कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी फ्री रहेगी, खाना आपको ही बनाना रहेगा या फिर होटल में खाइए, जो भी है वो आपके ऊपर है. 18,000 सैलरी है प्लस कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी दी जाती है. अच्छा नॉलेज होना चाहिए सिक्योरिटी लाइन में, थोड़ा हाइट और थोड़ी हेल्थ होनी चाहिए ताकि लगे कि ये सीनियर ऑफिसर है. ऐसा नहीं कि जो है हाइट में थोड़ा कम हो, जो सिक्योरिटी गार्ड उससे भी थोड़ा हाइट में, तो वैसा भी होना नहीं चाहिए. सिक्योरिटी लाइन है तो थोड़ा हाइट और हेल्थ में होना चाहिए. परमानेंट जॉब है ये. अगर आपका ग्रोथ हुआ, अगर जो है आपका यूनिट बढ़ा तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी बेसिकली.
आज 18 है तो थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद हो सकता है 20 हो जाए, फिर उसके बाद हो सकता है 25 हो जाए। तो डिपेंड ऑन आपके एक्सपीरियंस और आपके काम के ऊपर वो रहेगा कि आप कितना जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं, कितना जल्दी क्लाइंट से जो है क्लाइंट को खुश कर पाते हैं, या फिर क्लाइंट की तरफ से कुछ भी जो कंप्लेन नहीं हो आ पाता है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर जो है इस लाइन में, सिक्योरिटी लाइन में जो पहले ही बंदा कर रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर का ये पोस्ट है। तो गाइस जो जो बंदा इंटरेस्टेड है, लैंग्वेज इसमें कोई भी चलता है, कोई भी का कहने का मतलब है, मैंने पहले भी आपको एक बार क्लियर किया था कि दो लैंग्वेज पर्टिकुलर आना चाहिए, बंदे को हिंदी आना चाहिए या फिर लोकल लैंग्वेज आना चाहिए या इंग्लिश आना चाहिए। तीन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज कौन सी भी आनी चाहिए बंदे को। हिंदी प्रॉपर आती है, अच्छे से बात करना आता है तो भी चलता है, इंग्लिश अगर प्रॉपर आती है तो भी चलता है, नहीं तो अगर लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा आती तो भी चलता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, लड़के को भी अंडरस्टैंड करवा के रखना है, उसको जॉब करवाना है, उसको ड्यूटी देना है, ड्यूटी करवाना है, प्लस क्लाइंट को भी जो है उसके अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो काम होना है। तो गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे अपना हाय, आई एम इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी एसओ पोस्ट, नहीं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सिक्योरिटी पोस्ट के लिए, मेरा ये रेज्यूम है और मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ यहाँ काम किया है, वो बंदा अपना रेज्यूम शेयर कर सकता है, मुझसे टॉकिंग कर सकता है, अपना रेज्यूम शेयर करके जो है मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मैं आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ही करवा दूंगा, आपका टेलीफोनिंग इंटरव्यू, आप चाहे ऑटो स्टेशन के भी क्यों ना हो, लाइक बिहार के हुए या फिर और कहीं भी स्टेज के हुए, अगर आप चाहे तो वहीं से भी आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ। आप अपना जो है जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, वेरिफिकेशन के बाद ही आप अपना नेटिव प्लेस छोड़ सकते हैं, या फिर आप उस काम के लिए अगर कंपनी की तरफ से सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं तो आप अपना गाँव छोड़ सकते हैं। तो गाइस एक और अच्छी जॉब थी ये आपके लिए, एसओ पोस्ट के लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब मैं बात करता हूँ उन बंदों के लिए जो कमेंट्स करते हैं, ऐसे ऐसे बद्दे बद्दे कमेंट्स करते हैं जैसे लगता है कि मतलब वही सारे बादशाह हैं। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को जो है कमेंट बॉक्स पूरा बंद करना पड़े। तो मैं उन लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब कमेंट्स ना करें कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपको जॉब चाहिए तो डायरेक्ट जॉब का कमेंट्स करें, आपको क्या चाहिए, कहाँ जॉब चाहिए, कहाँ काम चाहिए, किस सैलरी में चाहिए, उसके रिलेटेड करें, फालतू की बकवास नहीं करें। आप अपना काम करें, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप किसके बादशाह हैं, बस उसी में करें। फालतू यहाँ बात करने के लिए हम लोगों के पास ना तो टाइम है और ना ही हम लोग उसमें जाते हैं बहस करने के लिए, हम लोगों को काम ही नहीं है वो। जो बोल रहे हैं कि जो फ्री का बैठा रहता है, जो अपने बाप का फ्री का खाता है ना, वही बंदा ऐसा बोलता है, ऐसा कमेंट्स करता है। वैसे उस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसी मतलब लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ रही है, लेकिन कर क्या सकते हैं। कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई उन लोगों के साथ, मतलब एक तो कमेंट्स ऐसा देखा था मैंने कि भैया जॉब तो दिलवाते हो लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं करना। मेरा भाई, मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये कमेंट्स किया है, कि धोखे का क्या मतलब है, आपसे किस चीज़ का पैसा लिया ये बताइए मुझे पहले। मेरा जितना भी वीडियो है मैंने क्लियरली पहले ये मेंशन कर रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब समझते हैं ना, हम लोग की तरफ से फ्री आपको जो है सर्विस दी जाती है बिना किसी पैसे का। जो धोखा इनके साथ होता है, उनके साथ होता है, जो आपसे जो है चार्ज लिया जाता है 3,000, 5,000, 10,000, फिर आपका जो फ़ोन रिसीव नहीं होता, या फिर आप आ जाते हैं तो जो पैसा लेने के बाद कहीं पर भी आपको एक पोस्ट दी जाती है, वैकेंसी दी जाती है, आपको कहीं पर भी काम काम दिया जाता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं रहता है। कल परसों एक किसी ने और कमेंट्स किया था, कोई स्टूडियो वाला था पता नहीं, कोई यूट्यूब पे ऐसा ऐसा सॉन्ग जो है अपलोड करता है, वो अपने आप को हीरो समझता है, बोला कि पहले एडिट करना सीख लो। अरे मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब हम लोगों का काम पोस्ट काम दिलवाना है ना, कि एडिट करना वो करना, हम लोगों का जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है यार, क्या फर्क पड़ता है। यूट्यूब पे एडिट कैसा भी हो, हम लोगों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस अच्छे कैंडिडेट चाहिए। और कैंडिडेट को क्या चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए बस, और क्या। अब वो वीडियो अच्छा एडिट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या फॉल्ट है, वो तुम देखो यार। तुम आप लोगों का जो चल रहा है चैनल उसको ध्यान से देखो ना, क्यों यहाँ पे जो है माथापच्ची करने के लिए आ जाते हो। अगर ज़्यादा ही कुछ बोलना तो आ जाओ हमारे ऑफिस,
एडिट का काम तुमको दे देता हूँ, तुम कर लो फ्री में, जैसा हम कर रहे हैं जॉब का पोस्ट फ्री में वैसा कर लो, पता चल जाएगा कितना दम है। तो एनीवे गाइस, ये जॉब था सिक्योरिटी एसओ के लिए, सिक्योरिटी पोस्ट वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए है। जो दो बंदा कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहता आ सकता है। और मैंने जो ऑलरेडी पहले एक बार जो वीडियो छोड़ रखा था कपड़े के फैक्ट्री के लिए, वो बंदा 1 तारीख से जो है मुझे कॉल करके डायरेक्ट आ सकता है। हम लोगों ने पीजी की व्यवस्था करवा रखी है आप लोगों के लिए, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि पीजी का रेंट क्या रहेगा, फैक्ट्री का जो है सैलरी क्या रहेगा, वो सारा आप मैनेज एक बार करके जो है आपका कंप्यूटराइज करके जो भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर करके जो है मैं अगर इतना कमाऊंगा तो मुझे पीजी में इतना दम रहेगा पड़ेगा, इतना जो है बचेगा, वो आप एक कैलकुलेट करके हाँ कर सके तो आ सकते हैं। और सिर्फ इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स है जो रियली जॉब करना चाहते हैं काम करना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें, नहीं तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कुछ एतराज नहीं है। हम लोगों को कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को काम वर्क वाले बंदे चाहिए, न कि वो आलतू फालतू वाले बंदे जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, वीडियो देखते हैं और पता नहीं मन में जो आता है वो भगते जाते हैं। वैसा कैंडिडेट चाहिए नहीं हम लोगों को, क्या करेंगे वो, ऐसा कैंडिडेट यहाँ आके भी हम लोगों को प्रॉब्लम में डालेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्टेड है, जो काम करना चाहता है, जिसको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जो घर पे बैठा है, या फिर जो काम छोड़ चुका है, वही बंदा इस वीडियो को देखे, इस चैनल को सब्सक्राइब करे और काम के लिए अप्लाई करे, अन्यथा कभी नहीं करें। आप चाहे तो अनसब्सक्राइब हो सकते हैं, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कुछ एतराज़ नहीं है उसके लिए। तो गाइस हम हाजिर होंगे एक और नई जॉब अपडेट्स के साथ, फ्री वाली जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।